और कितनी सच्चाई है भाई पीडब्ल्यू, क्या सही में लोगों को ऐसे कर रही है? अरे सिस्टम होना चाहिए, एलन का तो सिस्टम है, जब ये लोग पैदा हुए तो उससे पहले से वो लोग पढ़ा रहे हैं 1988 से। एलन को टक्कर दे पाएंगे नहीं पीडब्ल्यू। तो आईआईटी बीएचयू चूज किया, क्यों चूज किया आईआईटी? अच्छा ब्रांच मिल रहा था और एलुमनी नेटवर्क भी अच्छा है, पास में है मेरे घर के। पास में घर के? कई लोग कहना शिवम की इसमें किसी भी कितने भी रैंक के लोग हों इसमें एडमिशन हो जाता है आईटी बीएचयू में, तो लोग आईटी बीएचयू इसलिए चॉइस रखते हैं, ऐसा क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है यार? हेलो स्टूडेंट लाइफ, द स्टूडेंट लाइफ, यस आई एम फ्रॉम क्लब है क्या यहां आउटरीच? अरे आउटरीच जस्ट लाइक आउटरीच, क्या द स्टूडेंट लाइफ यूट्यूब चैनल है, देखा है? हाँ। क्या करते हैं हम लोग? स्टूडेंट पे वीडियो बनाते हैं यहाँ के लाइफ पर, आईआईटीएंस के, बीएचयू के, आईआईटीएंस के, आईआईटीएंस से। आप भी? हाँ। फ्रेशर्स? हाँ हाँ। फर्स्ट ईयर, क्या ब्रांच मिला? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया? और क्या, महादेव महादेव की नगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, आप बिजली कड़काएंगे ना एकदम बढ़िया। हाँ। तो सोच के आए थे गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना है? नहीं यार, तो मिल गया। क्या सोच के आए थे लेना है? बहुत कुछ। सीएस? नहीं सीएस तो मिल नहीं रहा था भाई, मतलब चलिए ठीक है सीएस। क्या नाम पड़ेगा आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष कहाँ से है? उत्कर्ष लखनऊ। लखनऊ से हैं। और आपका नाम? शिवम जायसवाल। शिवम, हम अच्छा काम कर रहे हैं शिवम? बहुत अच्छा भी है, आते वक्त आप ही से तो पता चला यहाँ के लाइफ के बारे में। सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लग रहा है, स्टूडेंट से ही पूछते हैं। 14,000। कहाँ से हैं आप शिवम? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से ही, उत्तर प्रदेश से ही, पास ही में। तो आईआईटी बीएचयू चूज किया, क्यों चूज किया आईटी बी? अच्छा ब्रांच मिल रहा था और एलुमनी नेटवर्क भी अच्छा है, पास में है मेरे घर के। पास में घर के? हाँ। कई लोग कहना शिवम की इसमें किसी भी कितने भी रैंक के लोग हों इसमें एडमिशन हो जाता है आईटी बीएचयू में, तो लोग आईटी बीएचयू इसलिए चॉइस रखते हैं, ऐसा क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है यार? ऐसी बात नहीं है, हाँ मिल जाता है, जैसे लोअर ब्रांचेस है तो उनका कट ऑफ बहुत लो जाता है, और मेरे रैंक पर मुझको चाहिए थोड़ा अच्छा ब्रांच चाहिए था तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था। अच्छा। और थोड़ा लोअर कॉलेजेस में सीएस भी मिल रहे थे तो वहाँ जाना मैं प्रेफर नहीं कर रहा था। नहीं प्रेफर किया? हाँ। और बॉम्बे वगैरह में केमिकल सिविल सब मिल जाता तो उन ब्रांचेस का उतना स्कोप नहीं है जितना यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब हमारे दर्शक पूछेंगे शिवम का कितना रैंक आया? मेरा 5,894। अच्छा, और कितना फीस लगा यहाँ पे जब पहली बार एडमिशन लिया आईटीबीएचयू? हमको फ्री एडमिशन मिला है तो अभी टोटल लगा है 35,000 जोसा का लगा था और 12,000 मेस फी, बस इतना ही लगा। ओके, और ब्रांच क्या मिला? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों से अलग कुछ बताइए, कितना खुश है इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के? नहीं सीएस चाहिए था, अब नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। सीएस चाहिए था? हाँ। तो ये पूरा फ्यूचर बदल गया होगा, सीएस लेने वाले थे, कुछ करने वाले थे, फिर एकाएक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, तो अब क्या करने वाले हैं? नहीं करने तो वही है, कोडिंग करेंगे और प्लेसमेंट वही करेंगे, सॉफ्टवेयर वाली। सॉफ्टवेयर वाली प्लेसमेंट? हाँ। क्या बोल रहे हैं? डाउनग्रेड एंड मत ट्रीट करिए। डाउनग्रेड नहीं, हम ये सब ब्रांच ही मान सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ के बच्चे सीएस वाली प्लेसमेंट लेते हैं। अच्छा। इंटर्नशिप गूगल वगैरह हम करते हैं, ऐसे ही होता है यहाँ का। गूगल में यहाँ के ढेर सारे फाउंडर्स हैं जो हाँ। मतलब लीड कर रहे हैं इंडिया में, ये तो मतलब बड़ी बड़ी बातें हो गई। खाने पीने का माहौल क्या है, कितने दिन हुआ है? अभी तो पेरेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा मिलेगा, बाद में देखते हैं कैसा देते हैं। अभी तो एक नंबर का खाना है एकदम। हाँ, मतलब अभी दिखा रहे हैं, अभी खाना एकदम साफ, बाद में पता नहीं, अभी हम लोग को अच्छा खाना मिल रहा है, ये है। अच्छा खाना दे रहे हैं, खिला रहे हैं? ठीक ठाक दे रहे हैं, मतलब ठीक ठाक, पेट भर जाता है वैसा है, पेट भर रहे हैं हम लोग आईटी बीएचयू में। यार पता है बीएचयू का सबसे बेस्ट खाना लोग बोलते हैं आईटी बीएचयू मिलता है। हाँ मतलब घर जैसा है, मैं तो कोटा से आया हूँ तो मुझे तो बढ़िया लग रहा है। कोटा में कहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे? एलन कोटा में था मैं। एलन कोटा? हाँ। कितने साल? 2 साल था, तो 1 साल तो ऑनलाइन रह गया और 1 साल जाना पड़ा था, तो वहाँ तो कोचिंग आप भी किए थे? नहीं, हम यहाँ दुर्गा मंदिर से। 12th पास के बाद गैप वैप है? कितने साल का? मेरा 2 साल हो गया था, 1 साल तो तैयारी नहीं कर पाया था, घर पर ही रह गया था। 2 साल क्या किए, कंपनी भी पूछेगी क्या किए 2 साल? कोई दिक्कत नहीं है, घर पर डेथ वगैरह हो गया था, नहीं कर पाया तो, और कोचिंग वगैरह किया ही नहीं लाइफ में आज तक। अच्छा, एलन एलन कैसा, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? जेई एडवांस, जेई मेंस आपके ऊपर है, मैं तो अपने से ही कर लिया, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं थी तो सब अपने से ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एलन क्यों खास है भाई, एलन क्यों ज्वाइन किया कोटा जाकर के? बढ़िया कोचिंग है, पढ़ाते हैं। चलिए एलएन ने पढ़ाया, कोटा में रहे थे आप। हाँ। कितना रैंक आया? मेरा 3,338 ऐसे कुछ। बढ़िया यार, किस सब्जेक्ट में बढ़िया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों में बढ़िया? फिजिक्स और मैथ्स तो बढ़िया था, केमिस्ट्री मैं पढ़ता नहीं था, मेरे को बढ़िया नहीं लगता था। तो लो स्कोर किया क्या केमिस्ट्री में? हाँ केमिस्ट्री में तो जस्ट पास हुआ हूँ मैं। जस्ट पास? ऐसा क्यों हुआ, कहाँ चूक हो गई, मतलब गलती कहाँ हुई? वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, रटना पड़ता है। केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं तो हटा भी दूंगा, मेरे को बना दे ये तो चेयरमैन।
आप केमिस्ट्री हटा देंगे पूरे सिलेबस में से? हाँ हटा दूंगा। तो ये फिर सबको इजी अगर सबको इजी चीज़ें दे दी जाएँ तो कंपटीशन थोड़ी रह जाएगा। हाँ वो भी है। रटने वाला हटा दें, मैथ्स फिजिक्स में कहाँ बोल रहा हूँ इजी है। अच्छा वो तो बढ़िया टैलेंट देखते हैं कि आपका रटने में और कॉन्सेप्चुअल हर एक चीज़ देखते हैं। फिजिकल से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक से रटने वाला देख लेते हैं, बचा ऑर्गेनिक से आप लोगों का मतलब कितना जोड़ घटाना वो रिएक्शन वाला पार्ट पूरा देख लेते हैं। दो तरीके की केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन है और फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल ठीक है उसमें तो मतलब फिजिकल में कैलकुलेशन कराते हैं तो वो बढ़िया रहता है। अच्छा मतलब उसमें इंटेलेक्चुअल अगर आप हैं चल जाता है काम, कम रटे में काम चल जाता है। अच्छा क्या ब्रांच मिला? मेरा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल अच्छा सभी लोग इलेक्ट्रिकल ही हैं? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल। हम लोग आर्ट्स वाले हैं, मतलब थोड़ा सा राइमिंग वर्ड्स मैच नहीं करता और दिमाग से उतर जा रहा होगा कुछ चीज़ें। तो एलेन कितना पढ़ाया? बढ़िया पढ़ाया एलेन ने? हाँ एलेन तो बहुत बढ़िया पढ़ाया। सबसे बेस्ट वहाँ के टीचर क्या कौन है भाई? एलेन के टॉप टीचर हाँ बहुत है, नामी टीचर है, जे सर हैं। अच्छा ये PW जब वहाँ पहुँचा है और कॉम्पिटिशन कर रहे हैं लोग आपस में हाँ। तो क्या ये PW कम पैसे लेकर के UPSC वाला भी खोल दिया और फिजिक्स वाला तो पहले से ही था, तो क्या ये क्या बोल रहे हैं? कंट्रोवर्सी में आ रहा है PW तो बहुत। मतलब कैसी कंट्रोवर्सी? अमन धरवाल के साथ अपनी शिक्षा अपनी कक्षा करके कुछ उनका है ना, तो क्या हुआ है अमन धरवाल के साथ? टीचर्स ले रहे हैं फिजिक्स वाला ने शायद से ले लिए हैं। हाँ उन्होंने वीडियो बनाई है, देख लीजिए 1.5 घंटे की है, इतना बड़ा कौन देख रहा है। हाँ उनका वीडियो देखा, मतलब देखा नहीं, ऊपर से थंबनेल देखा था, वीडियो नहीं देख पाया मैंने। और कितनी सच्चाई है भाई PW, क्या सही में लोगों को ऐसे कर रही है? अरे सिस्टम होना चाहिए, एलेन का तो सिस्टम है, जब ये लोग पैदा हुए तो उससे पहले से वो लोग पढ़ा रहे हैं 1988 से। एलेन को टक्कर दे पाएंगे नहीं PW? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे मेरे पाएंगे। को नहीं लगता बेस्ट रिजल्ट जैसे अब आप मास मीडिया में अगर आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो लोग तो आपके पास आएंगे ना। रिजल्ट भी तो ऑनलाइन दिखाते हैं वो तो, यहाँ बोल दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। रिजल्ट क्या खरीद करके दिखाते हैं उन लोग? YouTube पर एक फॉर्म डालते हैं, मतलब मैं भी सपोर्टर हूँ PW का, अच्छा पढ़ाते हैं कम पैसे में, बट उनका जो सिस्टम है ना, एक फॉर्म आता है YouTube पर, चाहे जो भर सकता है, आप भी भर सकते हैं मैं भी भर सकता हूँ, ये सिस्टम नहीं, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है वो सिस्टम। ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये सस्ता एजुकेशन जो ये अच्छा कर रहे हैं मैं मानता हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गांव में रहकर PW से ही पढ़ाई करके निकल जा रहे हैं। मैं खुद एलन जाना चाहता था, नहीं जा पाया। एलन लोग जाना चाहते, कितनी फीस लग रही है एलन में? एलन की फीस ज़्यादा है, लेकिन मतलब अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है। मेरी 90% लग गई थी। 90% लग गई, मुझे तो 18-20 हज़ार में पढ़ा दिया था। अच्छा कहाँ से हैं ब्रदर आप? मैं बिहार। बिहार में कहाँ से रहते हैं? MP में हूँ। MP में कहाँ से? जबलपुर। स्कूलिंग जबलपुर से ही हुई आपकी? 10th तक हुई थी, फिर कोटा चले गए थे। डमी। तो चलिए अच्छा एक लास्ट, हम क्या नाम पड़ा आपका? अनिकेत सिंह। अनिकेत बिहार से हैं और एक लास्ट अनिकेत से सवाल पूछेंगे, आपके जूनियर्स, आप तो सुपर जूनियर हैं लेकिन आपके भी जूनियर्स अगले साल आएंगे हाँ। तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे कि ITBHU क्यों चूज़ करो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये जो अभी आप काउंसलिंग पीरियड से बीते हैं और ढेर सारे प्रेफरेंसेस डाला होगा अपने ब्रांचेस का, क्या चीज़ें हुई बताएंगे? ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं क्योंकि पुराना कैंपस है, 103 साल हो गए हैं, तो एलम नेटवर्क हाई रहता है तो प्लेसमेंट्स में बहुत मदद करते हैं वो लोग, तो मैं तो प्लेसमेंट्स के लिए आया हूँ। और प्रिपेयर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देंगे, कैसे प्रिपेयर करें वो स्मार्ट वे? प्रिपरेशन मतलब बस कंटिन्यूस लगे रहना है, मतलब वो 3 दिन पढ़ाई करके 1 दिन बंद नहीं कर देना है। अच्छा मतलब जो कंटिन्यूस लगा रहेगा भले दिन के 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, मतलब कभी कभार नहीं हो पाता है, नहीं मन करता है पढ़ने का, तो जिस दिन नहीं मन कर रहा है उस दिन अगर 3 घंटे भी पढ़ लें तो वो फ्लो नहीं टूटता है ना, फ्लो टूट जाएगा तो फिर उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी, जैसे दोस्तों मैं बताऊंगा अगर ये माइक लेकर के मैं रोज नहीं उतरता हूँ, हफ्ते में 1 दिन उतरता हूँ तो हाथ कांपने लगेगा थोड़ा सा मेरा भी, हम लोग के भी। कंसिस्टेंसी हमें क्या है फ्लो में बना देती। कुछ पूछना चाहते हैं आप? एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये जो रिंग पहने हैं आप कब से पहने हैं हाथ में? हाँ ये रिंग, ये तो ऐसी मम्मी पहना दी थी, 6-7 महीने हो गए। विश्वास करते हैं तो नहीं है कि रिजल्ट ये आप यहाँ पे हैं? नहीं नहीं मेहनत हाँ? मतलब मेहनत। ये सब तो क्या लक फैक्टर रहता है, लेकिन मतलब मेहनत बिलीफ है जो घर वाले मानते हैं उसको आप पालन कर रहे हैं, तो फिर हम भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, मतलब IIT के आधे लड़के अंगूठी पहन रहे हैं और बिलीफ के नाम पे? वो तो मतलब एक श्रद्धा है, एक पॉइंट के बाद आपके कंट्रोल के बाहर सब हो जाता है, मतलब एडवांस के दिन क्या होगा क्या नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं उसके लिए कोई और है जो कंट्रोल करे हमारे लिए, है जो ऊपर से कंट्रोल करता है, मतलब करता है। अच्छा मेहनत पूरा नहीं है ना उसकी। आप लोग बोलते हैं कि ये जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो बिलीव नहीं करते गॉड में, नहीं यू बिलीव इन गॉड? मैं तो करता हूँ। यू बिलीव इन गॉड?
चलिए बात कुछ गलत नहीं ना पूछा हमने। नहीं नहीं, नहीं। चलिए मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस चैनल को। और जय हिंद, जय भारत।